आइए आज हम बनाते हैं ये गले हुए केले से बहुत ही टेस्टी हलवा। ये हलवा हम सूजी का हलवा बनाएंगे, उसमें हम ये गले हुए केले यूज करेंगे। तो ये गले हुए केले फेंकने से अच्छा है कि किसी काम में यूज कर लिए जाएं। ये शशि किचन है, आप तो जानते हैं शशि किचन में कुछ भी फेंकता नहीं है। तो आइए आज हम बनाते हैं इस तरीके से गले हुए केले से हलवा। तो देखिए इस तरीके से केले को हमने छील लिया है और इसका साइड का पार्ट जो थोड़ा बहुत गला था उसको हमने कट करके हटा दिया है। अब इस तरीके से फोक की हेल्प से इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। देखिए इसको हमने अच्छे से मैश कर लिया है और अब हम इसको अलग रख देते हैं। और अब हम लेंगे एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। और घी को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। और अब इस घी के अंदर ये सूजी जो हमने ली है आधी कटोरी, इसको डालकर भून लेते हैं। सूजी को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो देखिए सूजी को हमने मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है, अभी ज़्यादा ब्राउन नहीं हुआ है। और अब हमने ये कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, पिस्ता और बादाम, तो इनको हम इसी में डालकर भून लेते हैं इसी के साथ। ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी अपनी इच्छा से ले सकते हैं। एक मिनट तक ड्राई फ्रूट्स को इनके साथ भून लेंगे। तो देखिए सूजी का कलर हमारा काफ़ी चेंज होने लगा है और ड्राई फ्रूट्स भी भून चुका है। तो अब ये जो केला हमने मैश करके लिया था ये भी इसी में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी के साथ। देखिए केले को डालकर हमने 2 मिनट तक भून लिया है और अब हम इसमें 3 चम्मच चीनी डाल देंगे। केला तो हमारा ऑलरेडी मीठा ही है इसलिए हमने सिर्फ 3 चम्मच चीनी डाला है, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डाला है। लेकिन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद है आप उतनी चीनी डाल सकते हैं इसमें। और इसको भी इसी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए चीनी भी हमारी गल चुकी है इसमें। और अब हमने लिया है ये 1 कप दूध और अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको चीनी के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध डालेंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा बनेगा, इसलिए हमने इसमें दूध डाला है। तो हमने देखिए 1 कप इसमें दूध डाल दिया है और दूध डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सूजी बहुत जल्दी ही दूध सोख लेगी पूरी और बहुत जल्द ही हलवा हमारा गाढ़ा हो जाएगा। इस तरीके से गाढ़ा होने तक इसको भून लें। देखिए बहुत जल्दी ही हमारा हलवा गाढ़ा हो गया है, इस पैन को एकदम छोड़ने लगा है। तो देखिए बनकर तैयार है हमारा गले हुए केले का सूजी का हलवा। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं प्लेट में। तो देखिए इस तरीके से सर्विंग प्लेट में हमने ये सूजी का हलवा निकाल लिया है गले हुए केले का। और इस तरीके से ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स डालकर काजू और किशमिश डालकर गार्निशिंग कर देंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो देखिए सर्व करने के लिए तैयार है
गले हुए केले का बहुत ही टेस्टी हलवा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मुझे आपके लिए अगली रेसिपी और क्या बनानी है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।